नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, हम सीरीज में बात कर रहे हैं नवंबर की वृश्चिक राशि तक का राशिफल। मैं आप सबको दे चुका हूं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे धनु, मकर और कुंभ और मीन के बारे में कि नवंबर का महीना इन चारों राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम धनु की बात करते हैं कि धनु का कैसा रहेगा नवंबर का महीना। पहले 15 दिन की पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद दूसरे 15 दिन की बात करूंगा। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं इस महीने, खास तौर से जो प्रथम 15 दिन है, और उसमें काफ़ी अच्छा फोकस यहाँ पे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। दलाली इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग काम करते हैं इसमें, उन लोगों को बढ़िया मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। लव रिलेशनशिप्स की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी सरलता आपका रहेगा, मतलब ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। माता पिता और आपके शुभचिंतक भी आप में काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। पैसे, व्यवसाय और नौकरी में आवश्यक बदलाव होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मकान और जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ा सा आपको भी इंतज़ार करना होगा। आप जैसा रिजल्ट वहाँ से चाह रहे हैं यथासंभव वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप जमीन लेने या उसका विस्तार करने में या रिपेयर वर्क करने में उसके बारे में सोच सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी रहेंगे अपने काम को प्रति, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरे 15 दिन की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप अट्रैक्शन रहेगी आपको अपने चीज़ों को एक्सपेंड करने की, मतलब अपने आप चीज़ों को बढ़ाना चाहेंगे, लग्जरी थिंग्स आप खरीदना चाहेंगे। आपकी योजनाएं पर भी आपका थोड़ा धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखेगा। आप काफ़ी अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे और निजी और व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी नज़दीकी आती हुई आपको दिखाई देगी। किसी ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है लास्ट के 15 दिनों में, जो आपको आगे चलकर लाभ दे सकता है। आप श्रेष्ठता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस घमंड और अहंकार से बचें, आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर कुल मिला के मैं पूरे महीने का अवलोकन करूँ तो ये महीना आपके लिए कोई बुरा नहीं है। थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराएगा और ज़मीन जायदाद के से क्रय विक्रय में, मतलब सेल परचेज में अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले काफ़ी कॉन्फिडेंट इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने क्रिएटिव माइंड से कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में अपना नया कॉन्टेक्ट स्थापित कर सकते हैं। आपका उधार लेना आपको परेशानी में डाल सकता है। उसके साथ साथ आप अपनी चादर को के अनुसार ही खर्चा करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और साथ ही साथ कुछ जो आपके लोन अभी चल रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़े। हालांकि जो पुराने रुके हुए काम हैं शुरू के 15 दिन में, वो धीरे धीरे आप उसकी प्लानिंग कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरे 15 दिनों की बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ अप एंड डाउन दिखा रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि ऑफिस में। और बॉस हालांकि आपको सपोर्ट करेंगे, आपके अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनेगी ज़रूर जिसमें आपका मन अपने जॉब में नहीं लगेगा। आपको अपने स्वभाव में लचीलापन लाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आप बोलते हैं वो लानी पड़ेगी। आपको एक जगह पर फोकस अच्छे से करना होगा। आपका माइंड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो उस चीज़ को आपको क्योर करने की ज़रूरत है। खर्चे यहाँ पे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ चीज़ों में आपको तालमेल बैठाना होगा अपने, जैसे मैंने बोला कि आपको अपने खर्चों के ऊपर लगाम लगानी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महीना कहूँ तो ट्रेंड जो दिखा रहे हैं वो एवरेज ट्रेंड यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम रखें इस महीने में, और फोकस करके काम करेंगे
तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों की अगर बात करूं तो ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, शुरू के 15 दिन में थोड़ी भागदौड़ आपकी रहेगी और जिससे आपको भौतिक और अभौतिक दोनों तरीके के फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधित मामले काफी ठीक रहेंगे, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। लक्ष्य हासिल करने में आपको काफी हद तक अपने आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आपके ठंडे बस्ते में पड़े थे वो अब आपको काफी फायदा देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं और प्रेम के विषयों पर भी ये दिन ये महीना काफी अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई लाइफ में किसी की जबरदस्त तरीके से एंट्री हो। ये चीजें जो लव रिलेशनशिप है वो सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से रिलेटेड नहीं है, लव रिलेशनशिप आपकी आपके माता पिता से भी काफ़ी अच्छी होती भी यहाँ दिखाई दे रही है। आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी नरम गरम की स्थिति शुरू के 15 दिन में दिखा रही है। दूसरे 15 दिन की अगर बात करूँ तो घर परिवार में सुख का माहौल रहेगा। एक तरफ आप माता पिता और पूर्वजों की जायदाद के बारे में सोचेंगे, वहीं दूसरी ओर अपने भविष्य और सेवानिवृत्ति की लंबी योजनाओं यानी कि रिटायरमेंट के बारे में भी आप सोचेंगे, प्लानिंग का काफ़ी कुछ करेंगे आप। ये समय वित्तीय सौदे और साझेदारी के लिए आदर्श समय मैं नहीं कहूँगा कि है, आपको थोड़े दिन और वेट करना चाहिए, बचना संभव है तो बच जाएं, और अगर बहुत ज़रूरी है मैनेटरी है तो फिर आप उसको बहुत लीगलाइज तरीके से करें। कुछ जमीन जायदाद खरीदने के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह समय आपके लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा महीना है, अगर आप ढंग से चलते हैं और अपने तरीके से चलते हैं तो आप इस महीने काफ़ी कुछ कर पाएंगे और जैसे मैंने बोला कि जो सिंगल हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अब राशि चक्र की आखिरी राशि की बात कर लेते हैं हम लोग, बात करेंगे मीन राशि की कि मीन राशि का कैसा रहेगा। आप कुछ नया स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप हासिल करना चाह रहे हैं और आप उसके लिए वचनबद्ध भी हैं, लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो नहीं पा रही, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहे। हालांकि दोस्त और आपके सहयोगी आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे लेकिन वो किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प आपको नहीं कर पाएंगे, वो आपके साथ फिजिकली तो खड़े होंगे लेकिन मॉनेटरी वो नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए जो है उन पे ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट आप ना रहें, आपकी सूझबूझ ही आपको अच्छे फायदे करा सकती है। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले समय के लिए, और आप और आपका साथी कुछ तरह के साझेदारी की यहाँ बात कर रहा हूँ, लाइफ लाइफ मतलब वाइफ और लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर थोड़े आर्गूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और हो सके तो आर्गूमेंट से बचें, चीज़ों को ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बात ही करेंगे अब हम लास्ट के 15 दिनों की, तो कुछ यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी और आपके ऊपर कार्यभार ज़्यादा होगा, आप काम ज़्यादा करेंगे। हालांकि आप अपने दृढ़ इरादों से जो काम करेंगे उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपकी जो सोच होगी वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, आप प्रैक्टिकल वे में काम करेंगे और प्रोफेशनल वे में काम करेंगे, इमोशनल फ्रंट को दूर रखते हुए। ठोस विचारों का आदान प्रदान ऐसी परिस्थितियों में वातावरण में होगा जो कार्य क्षेत्र के प्रति दायित्व और वचनबद्धता का विकास करेगा। आप अपना कार्य इतनी कुशलता व ईमानदारी से करेंगे कि कार्यस्थान में आपको खुद गर्व होगा, लेकिन पुरस्कार के तौर पर जहां धन व विशेष पदोन्नति की आशा कर रहे हैं उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पूरे महीने काम कीजिए लेकिन फल की चिंता उतनी मत कीजिए जितनी आप चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हर्ट आप ही होंगे, एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपने काम में लगे रहें। हाँ हो सकता है इस महीने आपको कुछ ना मिले लेकिन अगले महीने का जो शुरुआत हो उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाए। तो इस नोट के साथ यहाँ पर मैं 4 राशियों का अंत करता हूँ, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भटनागर रवि 24/11 @gmail.com
9411845 8999623825 3 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप इन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट ज़रूर देखा करिए, हमारी वेबसाइट पे आपको सारी अपडेटेड कंटेंट मिलते हैं। अभिषेक भटनागर मेरी पर्सनल वेबसाइट है और 99 एडवाइस मेरी एक टाइप वेबसाइट है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस तरह मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और क्या क्या आप देखना चाहते हैं आप मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिए डिसलाइक करिए लेकिन करिए ज़रूर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।